देखेंगे आज की बड़ी खबर। खुलेआम मुख्यमंत्री के आदेश की उड़ रही धज्जियां, बच्चों को बुला रहे हैं स्कूल, शाला प्रभारी को नहीं है किसी का डर। यह मामला मध्य प्रदेश छतरपुर जिले के राजनगर के डुमरा का है। शाला प्रभारी अरविंद बेड़िया प्राथमिक शाला के बच्चों को अपनी दबंगई के चलते खुलेआम मुख्यमंत्री के आदेश के पलीता लगाते हुए कोरोना जैसी भयानक महामारी में बुलाकर मौत की आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। जबकि शासन ने प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के बच्चों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया कि कोई भी बच्चा विद्यालय नहीं जाएगा, लेकिन यहां का शाला प्रभारी ना तो कलेक्टर के आदेश को मानते हैं और न ही मध्य प्रदेश के मुखिया के आदेश को मानते हैं। इस संबंध में शाला प्रभारी अरविंद बेड़िया से बात की गई तो उनका कहना था कि मैं मास्क नहीं लगाता, हाँ बच्चों को बुलाया, जिसको जो करना है तो कर ले। वहीं इस पूरे मामले को लेकर संकुल प्राचार्य एम के शर्मा से बात की गई तो मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई करने की बात कही। इस गंभीर मामले को लेकर एसडीएम डीपी द्विवेदी से बात की गई तो एसडीएम ने तत्काल दोषी शिक्षक अरविंद बेड़िया पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए और कहा कि आगामी तीसरी लहर से बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूलों को बंद किया गया है और अगर किसी शिक्षक द्वारा बच्चों को विद्यालय बुलाया जाता है, शासन की गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे तो पब्लिक हेल्थ फ्रेंचाइज के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। सर, एक मामला आया है जो हाई स्कूल डुमरा है, वहाँ के जो प्रभारी है अरविंद बेड़िया सर, उनके द्वारा प्राइमरी के बच्चों को स्कूल में बुलाया जा रहा है, जबकि प्रदेश के जो मुखिया हैं वो कह रहे हैं कि प्राइमरी और मिडिल स्कूल पूर्णतः बंद हैं, अभी कोई बच्चों को स्कूल में नहीं बुलाएगा कोरोना को देखते हुए, क्या कार्रवाई होगी सर उन पर? अभी ये आपके द्वारा मुझे क्या टूटा है फ़ोन पर कि ऐसी वारदात वहाँ पर पाई गई है और उस संबंध में मैं यहाँ से एक जाँच करवाऊँगा या उससे यदि जैसी भी स्थिति निर्मित होती है तो उन पर कार्रवाई होगी और स्पष्टीकरण के लिए मैंने अपने कार्यालय को दे दिया है कि उनको स्पष्टीकरण दें और उनसे जवाब मांगें। सर, जो टीचर हैं वहाँ जो प्रभारी हैं सर, वो मास्क भी नहीं लगाए थे, ना पूरा स्टाफ मास्क लगाए था, ना सर बच्चों की कोई मास्क की व्यवस्था थी, ना सैनिटाइजर की। सर, अगर कोई वहाँ पर जो कोरोना जैसी भयानक महामारी की घटना घटती है तो कौन जिम्मेदार होगा? अब जिम्मेवार तो अब क्या है भाई, क्या है तो एकदम गवर्नमेंट ने कहा नहीं है टीचरों को कि भाई के सब बच्चे जो है मास्क लगा के आएंगे और सैनिटाइजर होगा पूरे स्कूल, लेकिन ये काम कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, उसकी जिम्मेवार वो खुद होंगी। कर क्या कार्रवाई होगी सर, कब तक हो जाएगी? अब कार्रवाई के लिए आप देखेंगे, मतलब ये अभी कर रहे हैं, अब जैसी भी स्थिति निर्मित होती है तो वैसे ही काम कर कार्रवाई करेंगे। नोटिस जारी होगा सर? हाँ, नोटिस जारी हो गया, हो ही गया, जारी हो गया नोटिस। स्कूल में किसने बुलाया आपको, बोलो किसने बुलाया? मैम ने, काहे के लिए? किताब बांटने के लिए। तो आपने किसी से पूछा कि किताब बांटने के लिए? कौन तरीके से क्यों मना रहे? क्यों आप मास्क नहीं लगाए ना? नहीं लगाए हैं मास्क तो, इसीलिए तो कह रहे हैं। क्यों नहीं लगाए तो मतलब आपकी गुंडागर्दी है क्या जी? बंद करो। हैं, क्यों नहीं लगाए मास्क? नहीं, गुंडागर्दी है क्या आपकी? नहीं जा नहीं तो आपकी गुंडागिरी दी क्या है? आप शिक्षा विभाग के अधिकारी हो, चमत्कारी हो, बच्चों के इसी तरीके से पेश आते हो? अच्छे से पेश हो ना, तो इस तरीके से पेश आओ। हम आप पेश हो ना। अच्छा।